बच्चों अभी रिसेंटली ही एग्जाम हुए हैं। कैसे गए तुम्हारे एग्जाम? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ठीक ठाक हुए या बहुत गजब के पेपर हुए? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब इस वीडियो में आए हो तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 11th एंड 12th यानी 11वीं और 12वीं के सिलेबस के बारे में, और वो भी डिलीटेड चैप्टर्स के साथ, यानी कितने चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, इसके अलावा और भी सिलेबस में क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, ये बात आज हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सीबीएसई ने रिसेंटली ही अभी सिलेबस अनाउंस किया है, वो भी 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए। अब जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं वो हिंदी के सिलेबस को सीबीएसई के बोर्ड की वेबसाइट पर आकर, यहां पर करिकुलम में जाकर 24-25 का करिकुलम में क्लिक करके कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर आपको हिंदी का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो हिंदी कोर या हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड है। तो हिंदी कोर का सिलेबस यहां है, हिंदी इलेक्टिव का यहां है। हिंदी कोर पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की पीडीएफ डाउनलोड होगी। पीडीएफ के आप नीचे नीचे की तरफ जाओगे तो कुछ इस तरह की टेबल आपको देखने को मिलेगी, यानी एक तरह का पूरा सिलेबस विद पैटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन 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 आपका खुद का समझना ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के हैं और क्या क्या आने वाला है। क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो इस साल का सिलेबस काफी कुछ डिफरेंस कर दिया है या काफी कुछ बदल दिया है। वो क्या है, क्या क्या बदलाव है, किस तरह के पैटर्न बदला है, ये बात अब हम करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं इजी वे में समझाता हूं, क्योंकि इसमें देखने से आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है जिससे आपको पूरा सिलेबस बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो टेबल है ये आप सामने देख रहे हैं सीबीएसई 12th सिलेबस 2024-25 के लिए, लेकिन अगर आप 11th क्लास में हैं तो यही सेम टू सेम सिलेबस, सेम टू सेम पैटर्न आपकी क्लास के लिए भी है। लेकिन 90% आपके 12th क्लास वालों के जैसा ही है, लेकिन जो 10% अलग है वो क्या होगा अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन जो 90% सेम है पहले आप वो सुन लो। देखो बच्चों, अपठित बोध, ये जो अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे वो जिसको आप रीडिंग पोर्शन भी कह सकते हो, वो 18 नंबर के होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम 22 नंबर की होगी। अभिव्यक्ति और माध्यम जिनको नहीं पता वो एक बुक का नेम है जो 11th में भी लगती है और 12th में भी लगती है, दोनों ही कंबाइन बुक आती है, अलग अलग भी आती है, दोनों में आपके अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक लगती है जो 22 नंबर के आने वाली है। पाठ्य पुस्तक जो है आपकी आरोह और वितान, उसमें से आपका 40 नंबर का एग्जाम आने वाला है। टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20% इंटरनल होंगे, यानी स्कूल वाले खुद लगाएंगे, वो भी प्रोजेक्ट वगैरह देख के या इस तरह की कुछ और गतिविधि देख के। लेकिन 80 मार्क्स का जो पेपर है वो किस तरह से अलग अलग, क्या डिफाइन है, किस तरह से डिटेलिंग है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है, वो अब हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। एक बार ध्यान से सुनते जाइए, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, 11th और 12th दोनों क्लास के लिए सेम पैटर्न है लगभग 90%। पहले 90% सुन लो, 10% जो अलग है वो भी बताता हूं। देखो, पहला जो प्रश्न होगा दोनों क्लास में वो अपठित गद्यांश का होगा। अपठित गद्यांश कह लो, अनसीन पैसेज कह लो, जिसमें आपको 3 तो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन का मतलब जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव, एक पैराग्राफ के रूप में जो लिखते हो, यानी बिना एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 तो 1 होगा और 3 अलग से होंगे, मतलब टोटल 4 प्रश्न होंगे। अब मैं इसको अलग अलग क्यों लिख रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। देखो, 3 एमसीक्यू होंगे जो 1×3 यानी एक एक नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे, ये एमसीक्यू है। लेकिन जो एक प्रश्न है ये अलग से, ये 1 नंबर का होगा लेकिन ये बिना एमसीक्यू का होगा, तो 1×1 ये 1 नंबर का हो गया। इस तरह से जो 3 और प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, 2×3 यानी 6 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो 6 ये हो गए, एक नंबर का ये हो गया और 3 नंबर के ये हो गए, तो टोटल 10 मार्क्स के ये अपठित गद्यांश के क्वेश्चंस होंगे। एक बार फिर बता देता हूं, 3 एमसीक्यू, 1 अलग और 3 अलग, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 10 नंबर। और सेम कंडीशन अपठित काव्यांश में भी है, मतलब अपठित काव्यांश भी आएगा जिसमें एक कविता का पार्ट होगा जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे वो सामने लिखे हुए हैं। जैसे 3 तो एमसीक्यू होंगे, 1 अलग प्रश्न होगा, और यहां पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ये 3 नहीं 2 कर लेना, ठीक है, ये एक छोटा सा मिसप्रिंट है, बाकी सब ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस होंगे अलग से, 1 अलग 2 अलग। अब जो 3 एमसीक्यू होंगे वो तो 1×3 यानी एक एक नंबर के 3 एमसीक्यू, लेकिन एक जो प्रश्न होगा वो भी 1 नंबर का ही होगा जैसे ऊपर आया हुआ था, तो ये भी 1 नंबर का हो गया 1×1। ऐसे ही जो यहां 3 लिखा हुआ है ये 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, टोटल 4, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 नंबर का ये अपठित काव्यांश होगा।
ठीक है, लगभग सेम जैसी एक जैसी बातें हैं, लेकिन 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 बस इतना सा फर्क है, यहां तीन है, यहां तीन है, यहां दो कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन आएगा जो एक तरह का अनुच्छेद लेखन कह लो, एक तरह का निबंध कह लो, लेकिन निबंध और अनुच्छेद लेखन में थोड़ा सा डिफरेंस है एक रचनात्मक लेखन में। रचनात्मक लेखन एक तरह का अनुच्छेद लेखन ही है जो तीन टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, तीन टॉपिक्स में से आपको करना एक ही होगा, मतलब एमसीक्यू तो कोई होगा नहीं इसमें रचनात्मक लेखन में, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो तीन तरह के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक करना होगा और वो एक छह अंक का होगा, तो छह गुना एक इज इक्वल टू सिक्स, छह नंबर इस तरह से बटे हुए। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में। चौथा जो प्रश्न होगा वो अभिव्यक्ति और माध्यम का होगा, इसमें बिना एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, वो कितने होंगे, चार एक तरह के होंगे और दो एक तरह के होंगे। जो चार प्रश्न होंगे वो तो दो दो अंक के होंगे और जो दो प्रश्न होंगे वो चार अंक के होंगे, इस तरह से दो गुना चार इज इक्वल टू एट और फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट, एट प्लस एट 16, 16 अंक के ये अभिव्यक्ति और माध्यम का पोर्शन होगा। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, अब पाठ्य पुस्तकें आ जाती है, यानी जो आरोह और वितान है आपकी क्लास में उससे रिलेटेड जो पठित काव्यांश आएगा, पठित काव्यांश यानी पैराग्राफ होगा जो आपको पढ़ा हुआ होगा, यानी जो सिलेबस में है आपके वो पढ़ा हुआ कविता का अंश आएगा उसको काव्यांश कहेंगे। उसके नीचे कुछ पांच एमसीक्यू होंगे, वो पांचों एमसीक्यू एक एक अंक के होंगे और पांच नंबर इस तरह से बटे हुए हैं। अब इसके अलावा काव्य प्रश्न भी आएंगे, काव्य प्रश्न यानी कविताओं से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो आएंगे, लेकिन वो दो तरह के होंगे, काव्य प्रश्न यहां पर भी है, काव्य प्रश्न यहां पर भी है, लेकिन ये कविताओं से रिलेटेड प्रश्न दो बार अलग अलग क्यों है आइए मैं समझाता हूं। इसमें जो पहली बार काव्य प्रश्न लिखा हुआ है यानी पहली तरह का जो काव्य प्रश्न आएंगे वो तीन प्रश्न आएंगे और उनमें से दो करने होंगे, तीन में से आपको दो करने हैं और नीचे भी कुछ ऐसा ही है, काव्य प्रश्न नीचे भी है, इसमें भी तीन प्रश्न होंगे, करने दो ही होंगे, लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, ये इकट्ठा क्यों नहीं दिया, इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि ये जो तीन प्रश्न होंगे, सॉरी दो प्रश्न आपको करने होंगे ये तो तीन तीन अंक के होंगे और ये जो दो प्रश्न आपको करने होंगे ये दो दो अंक के होंगे, मतलब प्रश्न तो आपके चार आएंगे, दो तो तीन तीन नंबर के और दो 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 नंबर के, इस तरह से 10 नंबर यहां पर बढ़ जाते हैं, 6 और 4, ठीक है। जिस तरह से आपने पठित काव्यांश के बारे में अभी समझा है, ये तीन प्रश्न एक जैसे यानी काव्यांश से रिलेटेड ही है, पांचवा छठा और सातवां, तो पांचवा छठा सातवां काव्य से रिलेटेड है, ऐसे ही गद्य से रिलेटेड आपको आठवां नौवां और दसवां देखने को मिलेगा, आठवां नौवां और दसवां गद्यांश से रिलेटेड होगा, ठीक वैसा ही है जैसे ऊपर के तीन प्रश्न हमने पढ़े हैं, उतने ही एमसीक्यू, उतने ही प्रश्न, उतने ही नंबर के, सब कुछ सेम है। जिस तरह से ये 10 और 5 15 नंबर की थी, ठीक ऐसे ही आठवां नौवां और दसवां प्रश्न भी 15 नंबर का होगा, सेम टू सेम कंडीशन के साथ, ठीक है। देखो जो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, ये सिस्टमैटिक तरीके से ना सिर्फ 12th का बल्कि 11th का भी एक फ्री क्रैश कोर्स मैंने बनाया है, उसको जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उस लिंक में आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से A to Z सिलेबस देखने को मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी बिल्कुल फ्री है, आपके लिए एक भी पैसा या कुछ भी चार्जेस नहीं है, तो वो जरूर देखना क्योंकि वहां पर आपको अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छा सिस्टमैटिक एक सिलेबस देखने को मिलेगा, तो वो जरूर देख लेना, आपको खुशी होगी वहां पर जाकर। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट प्रश्न, वितान के। वितान के प्रश्न भी आएंगे जो कि आएंगे तीन, लेकिन करने होंगे कितने, दो दो करने होंगे और दोनों प्रश्न पांच पांच अंक के होंगे, इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर बन जाता है। लेकिन 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 अब डिलीटेड चैप्टर्स कौन से हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 11th क्लास के बच्चों आपका इसमें अलग क्या था आपको बताता हूं। देखो बच्चों, एक तो यहां पर अलग है, अभिव्यक्ति और माध्यम में छोटा सा चेंज है, और इसके अलावा एक प्रश्न यहां पर ऐड हो जाएगा, मतलब इनके टोटल 11 प्रश्न हैं, आपके 12 प्रश्न आएंगे। अब क्या ऐड होगा, यहां पर क्या चेंज है, यानी दो ही चेंज है बस, और कुछ चेंज नहीं है, एक प्रश्न यहां ऐड होगा, यहां पर छोटा सा चेंज होगा, बस ये दो चेंजेस हैं, इसके अलावा सब कुछ सेम था, लेकिन चेंजेस क्या है वो मैं आपको यहां पर इस टेबल के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखो ये 11th क्लास का सिलेबस है, अब इसमें चेंज क्या था, देखो एक तो चेंज यही था कि इसमें औपचारिक पत्र लेखन आ गया है, यानी औपचारिक पत्र लेखन ऐड हो जाएगा, जो कि दो होंगे, दोनों में से एक करना होगा और दोनों में से एक करोगे तो पांच अंक का एक होगा, तो एक सॉरी पांच गुना एक पांच नंबर का औपचारिक पत्र लेखन ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड हो गया है तो यही अभिव्यक्ति और माध्यम में से कम हो गए हैं नंबर, मतलब जो 16 नंबर की ग्रामर सॉरी अभिव्यक्ति और माध्यम थी किसमें 12th क्लास में, अब 11th क्लास की बात कर रहे हैं तो 11th क्लास में 16 नंबर की बजाय 11 नंबर की होगी क्योंकि 5 नंबर का पत्र लेखन आ गया है। अब यहां पर ये चेंजेस हो गया है कि यहां पर 4 नंबर का एक सॉरी 4 नंबर 4 क्वेश्चंस एक और एक क्वेश्चन एक आएगा, इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो 4 प्रश्न आएंगे वो तो 2-2 अंक के होंगे और जो एक प्रश्न आएगा वो 3 अंक का होगा, तो 2 × 4 = 8 और 3 अंक का एक 3, 8 और 3 = 11, इस तरह से ये दो चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ 12th जैसा ही था, तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स यहां पर हो जाएंगे पूरे।
अब बात आती है डिलीटेड चैप्टर्स की। देखो बच्चों, ये डिलीटेड चैप्टर्स हैं, 11th के लिए ये हैं, 12th के लिए ये हैं। ये सुन के जाना क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है डिलीटेड चैप्टर्स। क्यों? वैसे देखने को तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां पर कुछ चीजें समझने लायक हैं, गलती हो जाएगी आप खुद करोगे तो। देखो मैं ध्यान से जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो काव्य खंड जो है ना, अब ये मैं 11th क्लास का सिलेबस पढ़ रहा हूं, काव्य खंड में जो कबीर दास के पद हैं उसमें केवल पद दो ही डिलीट हुआ है, पद एक डिलीट नहीं हुआ। पद दो जो है, संतो देखत जग बोराना, ये वाली जो पहली लाइन है, ये पद डिलीट हो गया है, सिर्फ यही। उसका पहला पद जरूर आएगा। ठीक ऐसे ही मीरा के पद में पद दो ही डिलीट है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, उससे पहले वाला जो है वो आएगा, सिलेबस में है, उसको करना है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी पथिक पूरा पाठ नहीं आएगा, सुमित्रा नंद पंत वे आंखें ये भी पूरा पाठ नहीं है, कृष्णनाथ की स्पीति में बारिश ये भी पूरा पाठ नहीं है, आत्मा का ताप ये भी पूरा पाठ नहीं है। इसके अलावा सारा सिलेबस आपका आएगा। अब आ जाते हैं 12th क्लास वालों ध्यान से सुनना, आपका जो पहला डिलीट हुआ है वो है सहर्ष स्वीकारा है, पूरा पाठ है ये नहीं आएगा। इसके अलावा फिराक गोरखपुरी, इसमें दो कविताएं हैं, ध्यान से सुन लो, दो कविताएं हैं, रुबाइयां और गजल, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है गजल, गजल ही डिलीट है, रुबाइयां आएगी, ध्यान से सुन लो और नोट कर लो। विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा पाठ नहीं आने वाला। रजिया सज्जाद जाहिर का नमक पाठ, पूरा पाठ ही नहीं आएगा। डायरी के पन्ने, ये वितान का है, डायरी के पन्ना पूरा पाठ नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर ये बात क्लियर है। अब आ जाते हैं एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो इसमें कहीं भी अभिव्यक्ति और माध्यम के डिलीटेड चैप्टर्स नहीं है, तो क्या सीबीएसई ने अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है उसमें से एक भी पार्ट डिलीट नहीं किया? देखो बच्चों, सीबीएसई ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ये चैप्टर्स डिलीट हैं, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति और माध्यम के 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। वो कौन से होंगे? देखो बच्चों, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, कहीं पर भी ऐसी कंफ्यूजन मत रखना कि सीबीएसई ने तो कहीं बताया नहीं, सर बता रहे हैं, मैं 100% बता रहा हूं, वो 3 चैप्टर्स आपके जो डिलीट हुए हैं वो एक्चुअल में नहीं आने वाले आपके सिलेबस में। लेकिन वो कौन से 3 चैप्टर्स हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, अभी जो बताया था इस नाम से एक लिंक है, उसमें आप अपनी क्लास का पोर्शन क्लिक करना, वहां पर अभिव्यक्ति और माध्यम के डिलीटेड चैप्टर्स भी देखने को मिलेंगे, वो जरूर नोट कर लेना, वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको रिवीजन करनी है आपके सिलेबस रिलेटेड हर रोज, तो आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक है, मैं वहां पर काफी कुछ रिवीजन के लिए भेजता रहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, तो वो हर रोज हो रही है, या यूं कह सकते हैं कि लगभग हर रोज हो रही है, तो उस सोशल मीडिया से जरूर जुड़ जाइए, आपका कुछ भला हो जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।